गाइस वेलकम बैक टू चंद्रलखी रावत ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही पसंद आएंगे। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। हम लोग चल पड़े हैं मंदिर के और मौसम भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर किया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही धूप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम हो चुके हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा ही साइड में आ गए थे और फिलहाल तो यहाँ पर इतने ट्रैफिक जाम हो गए हैं, पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई है और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी है, क्योंकि आज है मंदिर में भंडारा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर अभी जस्ट स्कूल से भी छुट्टी हुआ है, इसके से और ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ हो गए है। आज इसलिए यहाँ पर भीड़ है क्योंकि आज मंदिर में है भंडारा। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा ही भीड़ लग चुके है और कितनी खूबसूरत सब फूल थे यहाँ वहाँ पर। बहुत ये है काली माता जी का मंदिर। बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी है यहाँ पे मतलब लाइन लगा के यहाँ पर मतलब खुशी लिया जा रहा है, क्योंकि अंदर में तो इतना ज़्यादा ही भीड़ है, मतलब बोल नहीं सकते। इसी वजह से हम लोग पीछे में आ गए है, मंदिर का पीछे है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, ये देखिए अंकल लोग लाइन में खड़ा है। लाइन तो बहुत बड़का है, आ गए मंदिर की सामने की ओर और देखिए कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा है। और भीड़ तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। बहुत मुश्किलों के बाद हम लोग अंदर आए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर भगवान को धूपकाठी मोमबत्ती जलाए जा रहे हैं और बहुत सुंदर ही लग रहे हैं यहाँ पे। और देखिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, अंदर में इतना सुंदर सजाया हुआ है, पर अंदर जाने से पहले भीड़ सबको थोड़ा हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अंदर जा पाएंगे। देखिए हम लोग चल पड़े हल्के हल्के। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर सजाया हुआ है। अब थोड़े से अंदर के नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पहले चप्पल को उतार लेते हैं फिर चल पड़ते हैं अंदर की ओर। ये देखिए यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है, अंदर में तो थोड़ा भी जगह नहीं है। ये देखिए हम अंदर की ओर चल पड़े और देखिए अंदर में कितना सुंदर सजाया हुआ है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर भीड़। यहाँ तो ढुकने का जगह तो थोड़ा भी नहीं है। बहुत लोग आए हुए, बहुत दूर दूर से भी आए हुए लोग। देखिए कितना सुंदर सा है श्री, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा इतने लोगों के बीच में। और पीछे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब खिचड़ी का ही लग रहा है। मौसम तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा किया हुआ, बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ है, बहुत मौसम साफ भी किया है, इतना सुहाना सा मौसम किया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और किसी ठंड भी नहीं लग रही आज। हम लोग यहाँ पे हम लोग खिचड़ी ले चुके थे और खिचड़ी मस्ती कर करके आ ही रहे थे। हम लोग चल पड़े हैं घर की ओर, यहाँ पर हम लोग दीदी मिल चुके थे। अपनी दीदी और बहन के साथ हम चल पड़े हैं घर। बहुत मुश्किलों के बाद मिले थे थोड़ी खिचड़ी, अब घर में जाकर आराम से बैठ कर खाएंगे। यहाँ पर आके हमको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आके हम बहुत लोगों से मिले और बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, जो कि हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे।
चल पड़े। यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि आप देख ही सकते हो, और अभी फिलहाल तो ट्रैफिक सब थोड़ा कम हो गए हैं। ये देखिए अंदर अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, शेयर जरूर करिए वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।